फ्रेंड्स, होली का फेस्टिवल पकवानों के बिना अधूरा है और इन पकवानों में गुजिया अपना एक अलग ही स्थान रखती है। गुजिया की मिठास होली के त्योहार की मिठास को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये होली के त्योहार में चार चांद लगा देती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मावा के गुजिया की रेसिपी। जब आप इसे इस होली में बनाएंगे और उसके बाद जब इसका स्वाद लेंगे तो आपकी होली और भी ज्यादा मिठास से भर जाएगी। ऐसी गुजिया जो बाहर से हो बिल्कुल खस्ता और खाने के बाद मुंह में बिल्कुल घुल जाए, जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। होली के इस फेस्टिवल में फ्रेंड्स, आप मेरी इस गुजिया की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से गुजिया को बना पाएंगे और इसी के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। तो मावा वाली गुजिया बनाने के लिए हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं उसे मैं आगे बताऊंगी, और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दूंगी जिससे कि आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी और बनेगी बिल्कुल स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा जिससे आप बिल्कुल सही तरीका समझ पाएंगे कि गुजिया को हम बाहर से बिल्कुल खस्ता और अंदर से बिल्कुल मुँह में घुलने वाली कैसे बनाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ गुजिया बनाना। मावा की गुजिया बनाने के लिए मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज करूंगी उसे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 700 ग्राम मैदा, इसी के साथ 2 कप मैंने चीनी को ग्राइंडर में पीस कर उसका पाउडर बना लिया है, तो ये 2 कप शुगर पाउडर है, 500 ग्राम मावा या खोया मतलब आधा किलो, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ली है खसखस जिसे आप पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, ये 100 ग्राम है 1 कप, और साथ में ये है इलायची पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर, ये है चिरौंजी इसे मैंने 1/4 कप लिया है, क्वांटिटी में ये 20 ग्राम के बराबर है, इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है सूखा नारियल सूखा गरी जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके रख लिया था, तो ये 1 बड़े कप मैंने लिया है, और ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर किशमिश और काजू लिए हैं, दोनों ही मैंने 1/4 कप लिए हैं, इनकी क्वांटिटी आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने मोयन के लिए देसी घी का यूज कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने अभी 1 कप देसी घी लिया है, और साथ ही साथ हमारे गुजिया के डो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गुनगुना दूध लिया है, यहाँ पर मैं काउ मिल्क का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी दूध का यूज कर सकते हैं, बस उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं किस तरीके से यूज करूंगी परफेक्ट गुजिया बनाने के लिए उसे आप आगे देखिएगा। चलिए अब मैं तैयारी करती हूँ अपनी गुजिया बनाने की। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में दूध अवेलेबल ना हो तो आप केवल गुनगुने पानी से भी इसके डो को प्रिपेयर कर सकते हैं। गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा को ले लिया है एक बर्तन में, और सबसे पहले मैं इसका मोयन करूंगी। तो मोयन करने के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल यूज़ मत करिएगा। तो बस अब मैं इसमें धीरे धीरे करके डालूंगी घी, एक साथ सारा घी नहीं डालना है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम धीरे धीरे करके ही इसका मोयन करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे, तो मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर देती हूँ और फिर से मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। मोयन करते समय दोनों हाथों की हेल्प से हम इस तरह से, देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए आटे को जो हमने मैदा लिया है उसे घी में मिक्स करेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारी घी है वो अच्छे से मैदे के साथ मिक्स होती है और जो मोयन है वो भी बहुत अच्छे से होता है। ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारा इसमें ऑयल हमने डाल दिया या घी डाल दिया, उससे फिर हमें आगे ये दिक्कत हो जाएगी कि जो हमारी पूड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा और वो फिर फटने लगेंगी। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल परफेक्ट मोयन करना है। तो परफेक्ट मोयन कब होगा मैं बताऊँगी आपको, बस अभी फिलहाल आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके
घी को ऐड करना है और इस तरह से हाथों से मसलना है। तो बहुत अच्छे से इस तरह से मसलिए जिससे कि बहुत अच्छे से हमारे आटे का यानी मैदे का मोयन हो जाए। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें घी और ऐड करेंगे और फिर इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए जब आप इसका मोयन करें तो हाथ से इसे इस तरीके से मिक्स करते रहिएगा और साथ ही साथ ऐसे लेके इसे दबाइएगा। तो अभी इसमें हल्का सा और मोयन की ज़रूरत है। जब इसमें अच्छे से मोयन होगा तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। तो मैं सारा घी इसमें डाल देती हूँ। और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए हमारा जो ये मैदा है वो बहुत अच्छे से इस तरह से मिलने लगा है। अब देखिए आप फिर से ये हिस्सा पकड़ के देखिए, तो मतलब हमें इसमें इतने ही मोयन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मोयन हमें नहीं करना है अब, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें घी हो जाएगा। तो बस जब आपका जो ये मैदा है वो अच्छे से एक साथ इस तरह से बैठ जाए, आपस में चिपकने लग जाए, तो समझ लीजिए हमारा ये मोयन हो चुका है। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हम धीरे धीरे करके इसमें जो हमने गुनगुना दूध लिया है उसे डालेंगे और इसका डो प्रिपेयर करेंगे। डो हमें कैसा प्रिपेयर करना है, डो हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, बस जितना हम पूड़ी के लिए डो बनाते हैं उससे हल्का सा सख्त करना है। तो याद रहे कि डो आप बिल्कुल मुलायम ना करें, बस पूड़ी से थोड़ा सा सख्त डो बना लीजिए। तो चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका डो प्रिपेयर करती हूँ। तो अब मैं इसमें जो गुनगुना दूध मैंने लिया है थोड़ा थोड़ा डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा एकदम से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें इसका डो प्रिपेयर करना है। तो बस इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। और फिर से मैं थोड़ा थोड़ा सा और दूध डालूंगी इसमें हल्का हल्का करके, और इसे मिलाते हुए मैं इसका डो रेडी करूंगी, पूड़ी से थोड़ा सा सख्त, जो हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं, जो पूड़ी का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त डो मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स गुजिया बनाने के लिए मैंने उसका डो रेडी कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हम पूड़ी का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये सख्त है, और इसे गूंदने में जो मैंने दूध यूज़ किया था वो इतना बच भी गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ दूंगी और एक कॉटन का कपड़ा हल्का सा गीला करके हम लेंगे और इसे इस तरह से ढक देंगे। तो हल्का गीला कपड़ा लेके आप इसे अच्छे से ढक के छोड़ दीजिए, और तब तक जो हमें गुजिया की स्टफिंग करनी है मैं उसकी तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स स्टफिंग जो हम गुजिया की करेंगे उसके लिए जो हमने मावा लिया है उसे मैंने बर्तन में ले लिया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे लिया है, और इसे हम हल्का ब्राउन होने तक
इसी तरह से भूनेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे भूनूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने मावे को कम से कम 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लिया है। देखिए इसका कलर भी कितने अच्छे से चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। तो बस इसे हमें इतना ही भूनना है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें चीनी और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूंगी कि जब आपका मावा पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी आप इसमें शुगर को ऐड कीजिएगा। अगर आप गर्म मावे में शुगर को ऐड करेंगे तो शुगर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी और आपकी जो स्टफिंग बनने वाली है गुजिया की वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब मावा पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसमें शुगर को ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है तब तक मैंने गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा लिया है। इसे मीडियम फ्लेम में मैंने गर्म कर लिया है और जो हमने सूखा नारियल गरी ग्रेट किया हुआ है इसे हम हल्का सा भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बिल्कुल हल्का सा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल लाइट ब्राउन जैसा, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो मध्यम आंच में ही, मीडियम फ्लेम में ही मैं इसे भून लेती हूँ। ध्यान रखिएगा, इसे भूनते समय ये बहुत जल्दी जलने लगता है, इसीलिए आप इसे लगातार ऐसे ही चलाते हुए भूनें। इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट मुझे हो गया है और इसने अपना कलर कितना अच्छे से चेंज कर लिया है, लाइट ब्राउन ये हो गए हैं। तो बस इतना ही हमें भूनना है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसे एक प्लेट में ले लूँगी। तो हम इसे एक प्लेट में फटाफट से निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे भूनना था, तो हमने गरी को भून लिया है। और उसी कढ़ाई में मैंने अब खसखस ले ली है और इसे भी हम लगभग 2 मिनट भून लेंगे। बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे ले लिया है और इसे मैं मीडियम फ्लेम में ही चलाते हुए भून रही हूँ। तो ये ना जले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 2 मिनट ही इसे हमें भूनना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए बस इसे मुझे 1.5 मिनट लगा, इसने अपना कलर अच्छे से चेंज कर दिया है। बहुत अच्छी सी इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है। तो बस मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, इसे हल्का ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। फ्रेंड्स, मावा हमारा अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसकी जो हम गुजिया बनाएंगे स्टफिंग तैयार करूंगी उसकी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड करूंगी जो नारियल हमने हल्के से भून लिए थे, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसी के साथ अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी ये खसखस, इसे मैंने भूनने के बाद में ग्राइंडर में पीस लिया। खसखस डालने के बाद अब मैं यहाँ पे डालूंगी इलायची पाउडर। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून इलायची पाउडर ले रही हूँ। इसी के साथ चिरौंजी 1/4 कप, ड्राई फ्रूट्स किशमिश 1/4 कप। मैंने इसे छोटा छोटा कट कर लिया था क्योंकि जो स्टफिंग है उसमें ये फिर ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगेंगे।
और काजू को भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, बिल्कुल महीन, आप देख पा रहे होंगे। और ये सभी चीजें डालने के बाद लास्ट में मैं ऐड करूंगी शुगर पाउडर। तो ये शुगर पाउडर मैंने 2 कप लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम डालिएगा, लेकिन गुजिया में थोड़ा सा मीठा जब हो तभी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप के बराबर चीनी को ऐड कर दिया है। अब ये सारी चीजें डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई है हमारी गुजिया के अंदर भरने वाली स्टफिंग, गुजिया का मसाला। तो अब मैं फटाफट से गुजिया बनाने के लिए उसकी पूड़ियाँ बेलती हूँ और आपको स्टफिंग करके दिखाती हूँ कि गुजिया में स्टफिंग कैसे की जाती है, जिससे कि हमारी गुजिया ना फटे और आसानी से फ्राई हो जाए और उसके बाद आप उसका लुत्फ उठा सकें। आइए देखते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने जो डो प्रिपेयर किया था अब हम उसे बाहर निकाल लेंगे। ये कपड़ा जो है हमने गीला लिया हुआ है, इसे हमें इसी के साथ रखना है। जितना आटा हमें चाहिए उतना ही हम निकालेंगे, बाकी को इस तरीके से हम कवर करके रख देंगे क्योंकि मैदा बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो हम यहाँ से छोटा सा इसका हिस्सा ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने इतना बड़ा पेड़ा ले लिया है, अभी मैं इसी पेड़े से पहले आपको गुजिया बना के दिखाऊंगी और बाकी का जो ये हिस्सा है इसे मैं ढककर इसी तरह से छोड़ दूंगी। गुजिया बनाने के लिए जब हम उसकी पूड़ी बनाएंगे तो उसमें स्टफिंग करते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है, मैदे और पानी का घोल बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था, उसमें 7 से 8 चम्मच पानी ऐड करके एक पतला सा घोल बना लिया है इस तरीके से, क्योंकि ये हमारी गुजिया को बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो मैदे और पानी के इस घोल को मैं किस तरह से यूज़ करूँगी उसे देखिएगा। तो चलिए अब मैं फटाफट से पहले पूड़ियाँ बना लेती हूँ हमारे डो की और उसके बाद आपको स्टफिंग करके दिखाती हूँ। तो गुजिया बनाने के लिए जो मैंने ये डो लिया है इसको पहले हम हाथ से थोड़ा सा अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से थोड़ा सा मसल लीजिएगा। और मसलने के बाद में अब हम इसे बेलेंगे। इसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये बेल जाता है। तो अब मैं इसे पहले बेल लूँगी। तो प्रेस करते हुए इसे बेलिए और एक समान बेलिएगा। अगर आपने अच्छे से आटे को गूंदा है, मैदे के आटे को आपने अगर अच्छे से गूंदा है तो आपको बेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से इसको फैलाते हुए बेल लीजिए। मैदा थोड़ा सा चिपकता है तो बिल्कुल आराम से इसको इस तरह से फैलाते हुए बेलिए। एक बड़ी सी रोटी बना लीजिए और चारों तरफ एक समान बेल लीजिए। इस स्टेज पे अगर ये थोड़ा सा मोटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो पूड़ियां इसकी बनाएंगे उसको हम एक बार और बेलेंगे। तो मैंने अभी इसे इतना बेल लिया है, इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। तो बस इतना बेलने के बाद मैंने यहां पर इस तरीके की कटिंग करने के लिए ग्लास ले ली है और मैं यहां पर इस तरह से इसको कट कर लूंगी गोल गोल। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसमें कट लगा लेंगे, छोटी छोटी पूड़ियां बना लेंगे। और छोटी छोटी पूड़ियां बनाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा डो है उसे हम अलग कर लेंगे और उसे हम वापस अपने पहले वाला जो हमने डो बनाया है उसी में मिला के रख देंगे। और उसके बाद ये जो छोटी छोटी पूड़ियां हैं इसे हम एक प्लेट में कलेक्ट करके रख देंगे, क्योंकि अब मैं आपको बेल के दिखाऊंगी गुजिया कैसे मैं बनाऊंगी। तो इसे मैंने यहाँ पर एक प्लेट में रख लिया है। तो कटिंग करने के बाद अब मैं एक पूड़ी को ले लूंगी यहाँ से, ये देखिए, और इस पूड़ी को अब मैं बेलूंगी। तो बिल्कुल एक समान बेलिएगा, कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा नहीं, बिल्कुल एक बराबर हमें बेलना है। तो इसको फैलाते हुए बेलिए, मैदा बहुत अच्छे से फैल जाता है
तो चारों तरफ एक समान हाथ चलाइएगा। तो देखिए मैंने एक बड़ी पूड़ी को बेल लिया है। तो इस तरीके से एक पूड़ी आप बना लीजिए। आपके पास में इस तरीके का सांचा हो, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है 20-30 रुपए में, तो आप ये सांचा ले लीजिएगा और इस सांचे में जो ये हमने पूड़ी बनाई है उसे इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इस पूड़ी को हम फैला लेंगे और फैलाने के बाद में इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और फिर जो ये हमने स्टफिंग को रेडी किया है अपनी गुजिया वाली उसे हम इसमें भरेंगे। तो ये देखिए एक किनारी में हम इसे भर लेंगे और भरने के बाद में हमने जो मैदा और पानी का ये घोल बनाया हुआ है इसे हम चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। इस तरीके का घोल लगाने से हमारी जो गुजिया है वो आसानी से चिपक जाती है और जो इसकी किनारी है उसे खुलने का डर नहीं रहता है और फटने का डर नहीं रहता है। तो देखिए इस तरीके से चारों तरफ घोल लगाने के बाद आप सांचे को ऐसे पकड़िएगा और इस तरह से दबा दीजिएगा। ये देखिए और फिर जो ये एक्स्ट्रा डो है इसे हम बाहर निकाल देंगे और फिर इस तरीके से इसे हम जो हमने गुजिया बनाई है उसे बाहर कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया आकार बन के आया है हमारी गुजिया का। तो बस ऐसे ही हम बाकी सारी गुजिया को भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। हाथ से गुजिया को शेप देने के लिए मैंने फिर से यहाँ पर एक पूड़ी ले ली है, इसे मैं फटाफट से बेल लेती हूँ। एक समान बिल्कुल हमें बेलना है जैसे कि हमने पहले बताया। और बेलने के बाद में मैं इसे इस तरह से अपने हाथ में ले लूंगी। ये देखिए हाथ में लेने के बाद जो हमने गुजिया की स्टफिंग रेडी करी है उसे हम ऐसे लेंगे और इसके अंदर भर लेंगे फिलिंग को। फिलिंग भर लें, आपको जितना फिलिंग भरना है अपने अकॉर्डिंग उसको भर लीजिएगा। जो मैदे और पानी का घोल है उसे इसके चारों ओर अप्लाई कर दीजिएगा अच्छे से, जिससे कि किसकी किनारी खुलने का डर बिल्कुल भी ना रहे। और इस तरीके से ये घोल अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, ये किनारा पकड़ेंगे और ये किनारा पकड़ेंगे, दोनों किनारों को आपस में पकड़ के इस तरह से मिला लेंगे। देखिए हल्का सा हाथ से प्रेस करना है जिससे कि ये ऊपर की ओर उभरे। ये देखिए अगर आपको डिज़ाइन बनाना नहीं आता है या आपसे नहीं बन पा रहा है तो इसको इसी तरह से प्रेस करके इसको फ्राई कर लीजिए और या तो आप एक किनारी को ऐसे पकड़िए और इस तरह से मोड़ते जाइए और गुजिया को शेप दे दीजिए, थोड़ा सा डिज़ाइन बना दीजिए अपने ही हाथ से बिना किसी सांचे के भी, बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। तो ये देखिए ये आपकी गुजिया का डिज़ाइन बन गया। तो बस फ्रेंड्स अब मैं सेम प्रोसेस करते हुए फटाफट से सारी गुजिया बना लेती हूँ और फिर आपको इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनाएं तो 20-30 गुजिया बनाने के बाद उन्हें फ्राई कर लें, उन्हें इस तरीके से खुला बिल्कुल भी ना छोड़ें। चाहें तो आप एक कपड़े के अंदर उसे ढक कर रख दें, नहीं तो फिर आपका जो मैदा है वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इतनी सारी गुजिया मैं फटाफट से बना चुकी हूँ और अब मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें मैदे की छोटी सी बॉल डाल के देखती हूँ। अगर ये बॉल अच्छे से ऊपर आने लगेगी तो हमारा जो ऑयल है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो देखिए ये धीरे धीरे करके अपने आप ऊपर आ गई है, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें अपनी गुजिया को फ्राई करूँगी। तो गैस की फ्लेम आप मीडियम पर ले लीजिएगा और मीडियम फ्लेम में ही गुजिया को फ्राई कीजिएगा। तो तेल गर्म होने के बाद मैं अपनी सारी गुजिया इसमें डाल देती हूँ
और मीडियम फ्लेम में ही मैं इन्हें फ्राई करूंगी। तो 30 सेकंड इसे बिल्कुल भी ना चलाएं, बिल्कुल भी ना छुएं हमारी गुजिया को। जब 30 सेकंड हो जाए उसके बाद ही आप इन्हें उलट पलट कीजिएगा। तो बस जब इनका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल हल्का सा सुनहरा हो जाएगा, तब हम इन्हें छान के अलग कर लेंगे। तो मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑयल को हमेशा अच्छे से गरम कर लीजिए और उसके बाद में मीडियम फ्लेम पर ही गुजिया को फटाफट से फ्राई कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में इन्हें फ्राई करेंगे तो बाहर से तो ये आपकी कलर चेंज हुई, ब्राउन कलर की दिखेगी, लेकिन अंदर से कच्चापन रह जाएगा। इसीलिए आप इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करें और सुनहरा होने तक आप इन्हें फ्राई करें। तो इस तरह से इसे चलाते रहें बीच बीच में। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि गुजिया देखिए लाइट ब्राउन सुनहरे कलर की हो गई है। तो मैं गैस की फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो कर दूंगी और इन्हें छान लूंगी। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं अपनी सारी गुजिया फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं आपको एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए कितनी खस्ता है ये बाहर से और अंदर से बिल्कुल मुंह में घुलने वाली। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की गुजिया आप इस होली में बनाइए और बहुत सारी तारीफों को भी बटोरिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरी गुजिया की इस रेसिपी को जरूर पसंद किया होगा। इस तरह की गुजिया बिल्कुल बाहर से खस्ता और अंदर से बिल्कुल मुंह में घुलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसे आप जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और आगे भी मैं आप सभी के लिए होली रेसिपीज लेकर आ रही हूँ, तो उसे जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें जहाँ पर मैंने होली रेसिपीज शेयर की हुई है। और इसी के साथ साथ मेरी और अलग तरीके की रेसिपीज भी मैंने वहां पर शेयर की हुई हैं। और साथ ही साथ आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें, वहां पर भी मैं होली रेसिपीज की लिंक शेयर कर रही हूं। और इसी के साथ साथ जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करती हूं उसे मैं वहां पे शेयर करती हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।